तो अभी यहाँ पैकिंग वगैरह पूरी हो चुकी है, अभी यहाँ से निकलने का टाइम हो गया, तो अभी थोड़े दिन के लिए इसको भी रेस्ट मिल जाएगी। सो ये आ गई भाई हमारी सवारी, अभी हम जा रहे हैं माइक लेने, इतने टाइम के बाद व्लॉग बना रहे हैं, तो एक बढ़िया सा सबको भी भाई, इनको भी ब्राइब देनी पड़ती है, जूस भी लाना पड़ रहा है थोड़ी देर के लिए निकालने के लिए। अभी हम जा रहे हैं कैनन की शॉप है, वहां से माइक लेंगे। One eternity later. So भाई अभी यहाँ पे मोटा खर्चा करते हुए एक लिया ये वायरलेस माइक, एक लिया ये पावर बैंक मैक्स सेफ वाला। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो भाई यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं अमृतसर में, यहाँ पे रूम लिया था, रेडी वगैरह हो चुके हैं, आउटफिट आप देख सकते हो, ये शूज पहने, सामान वगैरह तैयार कर लिया। अभी यहाँ से जा रहे हैं भाई सीधे एयरपोर्ट जाके वहाँ अंदर एंट्री करके फिर आपसे बातें करते हैं। तो फाइनल अभी यहाँ पे एंट्री करके अभी हम ढूंढेंगे भाई यहाँ पे एयर इंडिया, तो वहाँ पे करवाएंगे हम अपनी बोर्ड भाई एयरपोर्ट पे, जल्दी आने का फायदा, यहाँ पे पूरी लाइन कम मिलती। अभी यहाँ पे 4:30 होने का वेट हो रहा है, 4:30 होने के बाद हम अपनी बैग चेक इन करवाएंगे, बोर्डिंग करवाएंगे। तो भाई अब हम जा रहे हैं पैसों का लेन देन करने के, तो सामने मनी एक्सचेंजर, अभी पैसे एक्सचेंज करवा। सो भाई यहाँ पे मोटी रकम देखे, सिर्फ 4 नोट आए हैं, ये 13,800 रुपया दिया हमने और ये 4 नोट आए। तो भाई ये चेक करो, ये 200 का, ये भी 200, ये 100 और ये 5 रुपए टिप दिए उसने। तो अभी भी हमारी यहाँ पे बैगिंग स्टार्ट नहीं हुई है, बैगिंग स्टार्ट होने का वेट कर रहे हैं, बैगिंग स्टार्ट होगी देखते हैं, बैग में से कोई सामान निकाल लाना पड़ जाए। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस काफी लेके जा रहा हूँ, तो भाई जो भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, जहाँ तो वो मनी एक्सचेंज बाहर से करवा के आ सकते हैं जो भी होते हैं वेस्टर्न यूनियन वाले, और जहाँ तो एयरपोर्ट पे करवा सकते हैं। मेरे को नहीं पता कि बाहर क्या चार्जेस पड़ते हैं, बट यहाँ पे टैक्स अलग पड़ा है, इन्होंने अपनी चार्जेस अलग काटे हैं। तो भाई यहाँ पे पैकेजिंग वगैरह करवा लिए, कुछ ये छोटी सी स्टैंप लगाई है, मे बी एक सिक्योरिटी सील की तरह। तो गाइस अभी यहाँ पे बैग इनको देने वाले, अभी यहाँ पे इससे छुटकारा मिल जाएगा, यहाँ पे बैग देते हैं फिर चलते हैं आगे फूड कोर्ट की तरफ। यूजली इस चीज के लिए काफी लंबी लाइन लगी होती है, फ्लाइट से 4 घंटे पहले आए हैं, तो लाइन नहीं है, कोई क्राउड नहीं है, आराम से अपनी सारी चीजें करवा रहे हैं। भाई साहब अभी यहाँ पे बोर्डिंग पास मिल चुका है हमें, और मिली है मेरे को विंडो सीट, अभी इमिग्रेशन होने जा रही है, इमिग्रेशन करवानी है, फिर आगे देखते हैं कहाँ पे जा। तो भाई अभी यहाँ पे टाइम हो रहे हैं 5 o'clock और अभी तकड़ी वाली भूख लग चुकी है, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, काफी इजी प्रोसेस है। आप अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप ग्राउंड स्टाफ से पूछ सकते हो, मैंने भी काफी सारी चीजें हैं जो पूछ के करी है। भाई हम भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो हमें भी नहीं पता था कि कौन से काउंटर पे जाना है कौन से नहीं जाना। फाइनली गाइस अभी यहाँ पे हमारी इमिग्रेशन वगैरह सभी चीजें हो चुकी हैं, अभी हम बिल्कुल फ्री, हमारी बोर्डिंग पास आ गया है, अभी सिर्फ फ्लाइट का वेट हो रहा है। अभी आपको करवाते हैं यहाँ पे एयरपोर्ट टूर, ग्राउंड फ्लोर में थे, अभी हम आए हैं फर्स्ट फ्लोर पे, यहाँ पे है भाई फूड कोर्ट, काफी बढ़िया वाइब है, ऐसा लग नहीं रहा कि हम फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई क्या बढ़िया सीट्स है यहाँ पे आराम करने के लिए, यहाँ पे सामने आपको स्क्रीन दिख जाएगी, यहाँ पे आपको पूरा डिटेल दिख जाती है कौन सी फ्लाइट कहाँ पे आने वाली। उसके बाद भाई यहाँ पे फूड कोर्ट है जो काफी ज्यादा कॉस्टली, पेट पूजा का टाइम हो, कोस्टा कॉफी, KFC, आई डोंट नो, बाकी भी काफी सारे भाई, सिटिंग काफी बढ़िया है, अभी यहाँ पे लेट के मजे से खाएंगे। तो अभी यहाँ पे एयरपोर्ट पे बैठे हैं, फ्लाइट का वेट कर रहे हैं, अभी 2 घंटे बाद फ्लाइट आएगी, और ये कैन देख रहे हो 100 रुपीज भाई एयरपोर्ट पे। अगर आ, एक सजेशन देता हूँ, अगर ना हो के पास ठीक ठाक माल पानी है अभी भाई यहाँ से खाना, नहीं तो भाई नॉर्मल पर्सन तो अफोर्ड नहीं कर सकते ना छोटा सा कप चाय का, 170 रुपीज का एयरपोर्ट वालों सारे खर्चे हमसे निकाल। तो अभी करते हैं भाई यहाँ पे पेट पूजा, सुबह के 6 बजे हम बर्गर खा रहे हैं और कुछ यहाँ पे मिला नहीं है। तो गाइस अभी आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये एक तो व्लॉग बनाता है फिर कहाँ पे गायब हो जाता है, ये बात भी आपसे कर लेते हैं, बीच बीच में कुछ ऐसा हो जाता है कि व्लॉगिंग करने का मन नहीं करता, फिर से ऐसे बढ़िया सी ट्रिप आई है, मैं चाहता हूँ कि बढ़िया बढ़िया व्लॉग ही मेरे चैनल पे है और भी आप भी एंटरटेन होते रहे और हमें भी मजा आता रहे, और लाइक सब्सक्राइब तो आपने करना नहीं है, इतना मर्जी हम बोल रहे बट फिर भी एक बार फिर से बोल देते हैं कि लाइक सब्सक्राइब कर, हमारा थोड़ा सा खर्चा निकल जाएगा। तो भी यहाँ पे 1-2 घंटा रेस्ट करने के बाद ब्रेकफास्ट वगैरह हमने कर लिया, ऑल दो इतना कुछ बड़ा नहीं उस सैंडविच, वैसे हमें आदत है भाई हैवी ब्रेकफास्ट करने की, बट ठीक है अभी काम चलाने के लिए। अभी हम जा रहे हैं नीचे गेट नंबर 1 की तरफ, वहाँ पे आएगी हमारी फ्लाइट। ओ तो भाई ये चेक करो नीचे क्या क्राउडी क्राउड हो रखा है, दारू वालों के लिए यहाँ पे ड्यूटी फ्री दारू मिल जाएगी भाई, वो मिलेंगे हमारे सस्ते नशे। तो गाइस अभी यहाँ पे ये स्क्रीन पे आप देख रहे हो हमारी बोर्डिंग यहाँ पे शुरू होने वाली है। तो भाई अभी यहाँ पे बोर्डिंग शुरू हो चुकी है, इस तरह की लाइन लग जाती है जब बोर्डिंग शुरू होगा। आज हम कह सकते हैं कि हम अबव द क्लाउड्स होंगे, ऐसे हम ऑन द रॉक्स होते हैं। फाइनली अभी यहाँ पे हमारी अनाउंसमेंट होगी, अभी वो लगी है भाई बस, अभी यहाँ पे पहुंच चुके हैं हम अपने प्लेन की तरफ और यहाँ पे हम करेंगे प्लेन में एंड। भाई यहाँ पे हमें मिल चुका है एक छोटा सा सब्सक्राइबर, अभी इसको भी ब्लॉग में लाते हैं। आप कहाँ पे जा रहे हो? शारजा भाई, ये भी दुबई घूमने जा रहा है, हमारे साथ ही प्लेन में जाएंगे, देखते हैं कौन सी सीट पे होते हैं। भाई इन्होंने मेरी हेल्प करी है विंडो सीट लेने के लिए, तो थैंक यू भाई का, वेलकम। भाई भी जम्मू के हैं, तो भाई को जम्मू में मिलेंगे दोबारा, कोई बात नहीं, जब आओगे मिलेंगे पक्का। थैंक यू भाई। तो अभी प्लेन में चलते हैं, यहाँ पे बोर्डिंग करने का टाइम हो चुका है, प्लेन में जाके आपको बाहर का नजारा दिखाते हैं। फाइनली गाइस अभी हम यहाँ पे प्लेन में अंदर एंटर हो चुके हैं, ये हमारी सीटें हैं और ये देखो भाई
बाहर का नजारा। अभी जब ये प्लेन हवा में होगा तब ज्यादा बढ़िया से दिखेगा। फर्स्ट टाइम विजिट अ प्लेन में, बट ऐसा कोई भी मोमेंट में मेरे को फील नहीं हुआ कि मैं फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट आया हूँ। फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट पे हमारी चेकिंग वगैरह इमिग्रेशन वगैरह हो रही है। अभी चीजें काफी स्मूथली हो गई है। अभी टाइम हो रहा है 8:30, दुबई में टाइम होगा 10:30, बट इंडिया के हिसाब से टाइम होगा 11:30। भाई काफी सारा 30 का लोचा है यहाँ पे। तो भाई ये रहा प्लेन के अंदर का मेन्यू, कुछ इस तरह का है, काफी रीजनेबल प्राइस है। सो हबीबी वेलकम टू दुबई। तो अभी हम 5 मिनट में यहाँ पे लैंडिंग करने वाले हैं। लैंडिंग करने के बाद हमें एयरपोर्ट पे गाड़ी लेने आने वाली, और भाई देखते हैं हम टाइम पे पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते। इमिग्रेशन में क्या पता ज्यादा टाइम भी लग सकता है। हार्डली 5-10 मिनट का और सफर रह गया भाई। इस टाइम कान हमारे इतने ज्यादा दर्द कर रहे हैं, बिल्कुल बंद हो चुके हैं, मैं खुद की आवाज नहीं सुन पा रहा। सो अभी हम इमिग्रेशन के लिए जाएंगे गाइस। यहाँ पे लैंडिंग करने के बाद इन्होंने पूरा एयरपोर्ट घुमा दिया, हमें रनवे पूरा घुमा के पता नहीं कौन से गेट पे लेके जा रहे हैं। सो गाइस अभी यहाँ पे पूरा रश लगने वाला है यहाँ पे निकलने के लिए, बट हम तो भाई लास्ट में निकलेंगे कुछ रील्स बना के इंस्टाग्राम के लिए। भाई इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लो, नीचे आईडी आ रही होगी। सो भाई कुछ इस तरह से प्लेन से बैग निकाले जाते हैं, अभी यहाँ से निकालेंगे फिर आगे जाके हमें बैग मिलेंगे। फाइनली अभी यहाँ पे अंदर एंट्री ले लिया हम। भाई बाहर का टेम्परेचर हो रहा है 40 डिग्री, बट यहाँ पे मेरे को नहीं लगता कि अंदर महसूस हो रहा बिल्कुल। अबे भी कम टू दुबई तो न खरीद लो भाई, गोल्ड यहाँ आपको एयरपोर्ट पे ही मिल जाएगा। ये कुछ ग्रोसरी स्टोर है, वाओ ये हमारे काम का चीज है, वे प्रोटीन। अभी मेरे को लग रहा है कि जो हमें कलेक्ट करने के लिए आए हैं वो तो चले जाएंगे भाई, अभी अपने पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे। फाइनली गाइस अभी यहाँ पे इमिग्रेशन वगैरह करवा के हम अपने बैग उठाने के लिए जा रहे हैं। भाई हमारा ड्राइवर काफी देर से आगे खड़ा हुआ है। सो अभी फाइनल वी आर एंटरिंग टू दुबई। हां मेरा क्लिप बना ले अंदर। तो भाई यहाँ पे फिर से आना पड़ेगा 5 दिन के बाद। अभी हम जा रहे हैं पार्किंग की तरफ, अगर हम कौन सी गाड़ी होगी। एयरपोर्ट के बाहर निकले हैं तो गर्मी का एहसास हुआ भाई, अपने वहाँ तो 40-47 ठीक है, बट यहाँ पे ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा। सो गाइस अभी यहाँ पे होटल में पहुंच चुके हैं, अभी चेकिंग करवाते हैं। अभी यहाँ पे इनकी पॉलिसी है कि 2 बजे से पहले हम रूम में एंटर नहीं कर सकते, तो अभी 2 घंटे हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। बात करूँ होटल की तो भाई क्या ही एक नंबर होटल है ये, चेक करो भाई। ये पीछे यहाँ पे फूड लॉन्ज है, ऊपर रूम्स हैं, आई डोंट नो कौन से फ्लोर पे मुझे रूम मिलता है। सो फाइनली गाइस अभी यहाँ पे रूम हमें अलॉट हो चुका है, अभी हम जा रहे हैं भाई रूम में। तो यहाँ पे करवाते हैं भाई आपको रूम टूर। तो रूम में एंटर होते ही यहाँ पे मिलेगा वॉशरूम, वॉशरूम में मिरर, अपनी हालत छोड़ दो, और यहाँ पे मिलेगा भाई बाथटब। बाथटब में बढ़िया से बात लेंगे। अभी चलते हैं भाई आगे आगे, क्योंकि रूम की हालत थोड़ी देर में खराब होने वाली है। यहाँ पे भाई एक ड्रेसिंग टेबल, एक टीवी, और यहाँ पे थोड़ा सा सामान पहले बिखरा पड़ा है तो इसको अवॉइड करना। यहाँ पे ट्विन बेड मिल जाएंगे, यहाँ पे चार्जिंग स्लॉट तो भाई बेड के पास ही दिया हुआ है। यहाँ पे ये मिरर देख लो, ये है अलमीरा। यहाँ पे एक सेफ दिया भाई, अपना पैसा रख सकते हो। यहाँ पे आपको कैटल मिल जाएगी, कॉफी आपको खुद से बनानी पड़ेगी, ये नहीं बना के देंगे। तो ये आ गई भाई अलमीरा, यहाँ पे काफी सारी स्पेस मिल जाएगी आपको सामान रखने के लिए। और भाई यहाँ पे आपको मिल जाएगी फ्रिज, और फ्रिज में भाई ये पानी सिर्फ दिन में 2 बॉटल देते हैं, तो आपको अपना खरीदना पड़ेगा। गाइस अभी यहाँ पे हमारा लंच आ चुका है। लंच में हमने ज़्यादा कुछ नहीं मंगाया, लाइट ही रखा है। एक पिज़्ज़ा आ गया, नूडल्स आ गए, और ये जूस भाई, ये हमारा लंच पड़ा है 90 दिरहम का। तो भाई रेस्ट करने के बाद अभी 4 शहर हो गए हैं। अभी हमारा डिनर है क्रूज पे, तो अभी गाड़ी लेने आ रही है भाई। अभी हम जा रहे हैं नीचे, ड्राइवर हमारा पहुँच चुका है। अभी हम जाएंगे सीधा भाई क्रूज की तरफ, तो देखते हैं वहाँ पे क्या सीन रहता है। सो गाइस दोपहर का तो काफी गर्मी थी, बट अभी काफी बढ़िया सीन है यहाँ पर। यहाँ पे हमें गाड़ी लेने के लिए आए। सो गाइस अभी यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, भाई ने अभी अभी हमें ड्रॉप किया। अभी हम जा रहे हैं भाई अपने क्रूज पे, हमारे क्रूज का नाम है डेजर्ट रोज। अभी वहाँ पे एंट्री करवा लेते हैं पहले, फिर करते हैं आपसे बातें। तो फाइनली गाइस अभी टाइम हो चुका है हमारा क्रूज पे जाने का। अभी वो ग्राउंड स्टाफ हमें क्रूज पे लेके जा रहा है। गाइस अभी GTA की एंट्री होती है यहाँ से, GTA का एक मिशन हम करने जा रहे हैं यहाँ पे बोर्ड पे जाके। बोर्ड कौन सी है पहले वो ढूंढना पड़ेगा, डेजर्ट रॉक्स करके नाम है। सो फाइनली गाइस अभी यहाँ पे एंट्री कर लिया हमने। यहाँ पे एंट्री करते ही हमें ड्रिंक्स सर्व हो चुके भाई, यहाँ पे ये भाई कर रहे हैं हमारा फोटो शूट। तो अभी यहाँ पे चिप स्टार्ट हो चुकी है। अभी यहाँ से भाई एक राउंड लगवा के ये पूरा यहाँ से घुमा के फिर से हमें यहाँ पे लाके छोड़ देगी 2 घंटे के अंदर। तो अभी यहाँ पे हमें एक मील सर्व होगी, रिफ्रेशमेंट मिल चुकी है। तो भाई अभी यहाँ पे सॉन्ग लग चुके हैं, थोड़ी देर बाद में आपसे बातें करेंगे, बिकॉज कॉपीराइट आने का बहुत ज्यादा सीन होता है। मैं नहीं चाहता कि इतने टाइम बाद व्लॉग डालूं कॉपीराइट आ जाए।
सो गाइस अभी यहाँ पे पेट पूजा का टाइम हो चुका है। अभी मेरे को नहीं पता है वहाँ पे क्या है, खाने में क्या नहीं है। वेजिटेरियन के लिए कुछ है नहीं है ज्यादा खाने को, तो भाई चावल से पेट नहीं भरा तो हम फ्रूट्स लेके आ चुके। सो भाई ये यहाँ पे एक अरेबिक एक्टिविटी हो रही है, नाम मेरे को नहीं पता। Oya shake body, Oya move body, make you ring alarm. Oya shake body. Them girls just they feel me now, 'cause I get some money, then they feel me now. Back then they do me anyhow. I don't get some money, they wanna get down. They wanna hold me for ransom, 'cause I'm young and I'm rich and I'm handsome. They wanna know where I come from, I they run since from Lagos to London. All the blessings and love I they see, just they make me they shout hallelujah. I say all the blessings and love I they see, just they make me they shout hallelujah. They hold me for ransom, 'cause I'm young and I'm rich and I'm handsome. They won't hold me for ransom, 'cause I'm young and I'm rich and I'm handsome. Oh yeah, shake body. Oh yeah, move body. Make you ring alarm. Oh yeah, shake body. अभी यहाँ पे दो तीन एक्टिविटी हो चुकी है। यहाँ पे अभी काफी लंबा जोड़ा टूर करवा दिया है इन्होंने, भाई आ रही है। पहले थोड़ा सा बोरिंग लग रहा था बट अभी ठीक है, तो ये भी एंजॉय करते हैं। पूरा होता हुआ अभी पूरा राउंड लगा के हम जा रहे हैं पोर्ट की तरफ। पोर्ट पे लगा के हम जाएंगे टैक्सी में सीधे जाएंगे भाई रूम में। बहुत ही ज्यादा टायर्ड है, दो दिन से ठीक तरह से सोए नहीं है। अभी जाके आप कह सकते हो कि एक प्रॉपर मील ली है हमने, तो सीधे जाके रूम में मिलते हैं आपसे। The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what